Dear student, from our sections to today, we are going to see a poem 2.3, The Inchcape Rock. Student, perhaps you have heard Amos Proverbs or quote like this. As you sow, so shall you reap. Crime gets its own punishment. What goes around comes around. Tit for tat. And evil digs a pit for others but falls into the same. Students, you might understand that all the proverbs convey the same meaning. तो स्टूडेंट आपने इस प्रकार की जो प्रोवर्ब्स है या फिर कोट्स है फेमस आपने सुने ही होंगे और यहाँ पे जो भी हमने चार पांच जो प्रोवर्ब्स देखी है एक ही मीनिंग एक्सप्रेस करती है जिस तरह से एज यू सो सो शैल यू रीप जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे क्राइम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट तो जो जैसा क्राइम करता है उसको इससे पनिशमेंट भी मिलती है What goes around comes around. जो आजू बाजू में हमसे जो जाता है वही वापस आता है वही हमें मिलता है Tit for tat, जैसे को तैसा Evil digs a pit for others but falls into the same. जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं लेकिन खुद ही उसी खड्डे में गिरते हैं तो इस तरह की ये जो प्रोवर्ब हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका एक रीज़न है The reason behind is that all the proverbs are related with the theme of this poem, the Inchcape Rock. It's a poem written by Robert Southey. Let us see the brief introduction of the poet Robert Southey. Robert Southey, he was born in Bristol, England. तो Robert Southey का जो जन्म है इंग्लैंड में का जो ब्रिस्टल नाम का जो शहर है वहाँ पे हुआ था He was the son of draper, एक draper के means draper means a person who sells clothes, वो व्यक्ति जो कपड़े वगैरह बेचता है तो एक draper के वो लड़के थे educated at Westminster School and Balliol College, Oxford, जिनका education Westminster School में और Balliol College में हुआ था Oxford के यहाँ पे वो educated हुए थे और उनका education वहाँ पे हुआ था He was a poet laureate of England from 1813 to 1843. तो एक poet laureate भी थे poet laureate मतलब राजकवि poet laureate मतलब राजकवि तो 1813 से लेकर तो 1843 तक वो इंग्लैंड के राजकवि भी थे poet laureate भी थे Some of his short poems like The Scholar, The Battle of Blenheim, Bishop Hutto, The Inchcape Rock, etc. आर वेरी पॉपुलर विद द स्कूल चिल्ड्रेन तो उनकी जो कुछ कविताएं हैं उसमें है द स्कॉलर नाम का द बैटल ऑफ बेलहेम है बिशप हट्टो है और इंचकेप रॉक जो हम देख रहे हैं आज ये सारी जो पोएम्स है वो स्कूल चिल्ड्रेन में बहुत ही पॉपुलर थी बहुत ही फेमस थी द इंचकेप रॉक इज अ बैलड जो पोएम हम देखने जा रहे हैं इंचकेप रॉक इज अ बैलड एक बैलड है बैलड क्या होता है एक फोक सॉन्ग जो पुराने ज़माने में होता था जिसे पोवाड़ा कहा जाता है बैलड को इस रोमांटिक और सेंटिमेंटल सॉन्ग जिसमें जो भी व्यक्ति होता है जिससे रिलेटेड होता है उसके बारे में जो भी उसकी चीज़ें हैं मतलब उसकी शूरता है ब्रेवरी है वो नैरेट की जाती है तो इस प्रकार का जो एक सॉन्ग होता है उसे बैलड कहते हैं It is story of the 14th century attempt by the abbot of Aberbrothock to install a warning bell on Inchcape. तो ये story है एक Inchcape rock इसकी story है जो abbot of Aberbrothock नाम का जो एक व्यक्ति था वो क्या करता है जो Inchcape नाम का rock है यहाँ पे जो poem का title आया है The Inchcape rock तो Inchcape नाम का जो rock था उस rock के ऊपर एक warning bell install करने का प्रयास करता है कोशिश करता है अ नोटोरियस
सैंडस्टोन रीफ अबाउट 11 माइल्स। तो ये जो नोटरियस मीन्स इन फेमस कुविख्यात और कुप्रसिद्ध इस प्रकार का ये सैंडस्टोन है, एक रॉक है, रीफ अबाउट 11 माइल्स, जिसका रीफ जो है मतलब ये जो रॉक है, इस रॉक का जो एरिया है वो 11 माइल्स का है, मतलब 18 किलोमीटर का इसका एरिया, इतना बड़ा फैला हुआ वो रॉक है। जो रीफ मतलब क्या होता है, तो पानी के अंदर डूबा हुआ, रीफ का मतलब होता है पानी के अंदर डूबा हुआ जो रॉक होता है उसको बोलते हैं रीफ। तो 11 माइल्स उसका एरिया होता है, 18 किलोमीटर। ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ एंगस, एंगस इस प्लेस के पास से जो ईस्ट कोस्ट है, पूर्वोत्तरी किनारा है उसके तरफ स्कॉटलैंड का, ठीक है, स्कॉटलैंड में जो एंगस नाम का जो भी प्लेस है, वहाँ से ईस्ट कोस्ट की तरफ, पूर्वोत्तरी किनारे की तरफ, नियर डंडी एंड फिफ, तो डंडी भी प्लेस का ही नाम है, फिफ भी प्लेस का ही नाम है, तो उसके पास में स्कॉटलैंड में ये है, ऑक्यूपाइड बाय द बेल रॉक लाइट हाउस, और उसके ही करीब जो एक बेल रॉक लाइट हाउस है, मतलब लाइट हाउस का यह नाम है, बेल रॉक लाइट हाउस के कब्जे में है, उसने ऑक्यूपाई करके रखा है ये जो इंच के रॉक का एरिया है, तो वहाँ पे हुए है और बेल रॉक लाइट हाउस के कब्जे में हुए, उसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो सऊदी वॉज इंस्पायर्ड बाय द लीजेंडरी स्टोरी ऑफ अ पायरेट हु रिमूव्ड द बेल ऑन द इंचकेप रॉक प्लेस बाय द एबट ऑफ एबरब्रोथक। तो एक जो पायरेट होता है, जो समुद्री लुटेरा होता है, वो क्या करता है, इंचकेप रॉक के ऊपर जो जो ये बेल लगाई थी किसने, एबट ऑफ एबरब्रोथक ने, तो ये बेल रिमूव करने का प्रयास वो करता है, उसके ऊपर ये स्टोरी बेस है, इस पोएम की जो स्टोरी है इसी इंसिडेंट के ऊपर बेस है, आधारित है। तो वो उसे रिमूव करने का प्रयास करता है, उससे इंस्पायर होके, प्रेरित होके सऊदी ने ये पोएम जो है, ये पोएम लिखी हुई है। द पोएम गिव्स अस अ मैसेज दैट दोज हु डू रॉन्ग थिंग्स विल मीट विद ड्यू पनिशमेंट। तो ये पोएम हमें इस तरह का एक मैसेज देती है, एक संदेश देती है कि जो रॉन्ग थिंग्स करते हैं, जो भी हम कह सकते हैं कि बुरे काम करते हैं, विल मीट विद ड्यू पनिशमेंट, उनको उसी तरह की पनिशमेंट मिलती है, उन्हें उसी तरह की सज़ा भी मिलती है, जिस तरह से हमने ऊपर प्रोहब देखी थी, है ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। तो इस प्रकार का एक संदेश ये पोएम हमें देती है, या इसी प्रकार के थीम के ऊपर ये पोएम आधारित है, द इंचकेप रॉक। लेट अस सी द पोएम इन डिटेल। नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, स्टर मीन्स एक मूवमेंट, मोशन, हालचाल। द शिप वॉज एज स्टिल एज सी कुड बी, हर सेल्स, तो सेल्स क्या होता है, वैसे उसे सीट कहा जाता है जो बोट के ऊपर होता है, कपड़े से बना हुआ है, यहाँ पे सेल्स का मतलब सीट ऑफ कैनवास हंग फ्रॉम द मास्ट टू द टू कैच द वाइंड एंड मेक अ शिप फॉरवर्ड। तो वो मास्ट जो होता है, कपड़े से बना हुआ, जो मास से लेकर तो कैनवास तक वो लगा हुआ होता है, एक सीट ऑफ मास होती है, आपने भी बोट से बार अगर बोट देखी है तो आपने देखा होगा। ही सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर नील वॉज स्टेडी इन द ओशन, हर कील, कील मीन्स कील का मतलब होता है द लोएस्ट टिम्बर ऑफ अ शिप, शिप का जो नीचे का टिम्बर होता है, लोएस्ट टिम्बर होता है, उसे कहते हैं कील। एंड स्टेडी इन द ओशन, तो लेट अस सी द मीनिंग ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट सऊदी है एक लीजेंडरी स्टोरी नैरेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, कि जो सागर था, सागर में कोई हालचाल नहीं थी, कोई भी हवा में भी कोई हालचाल नहीं थी, हवा में भी कोई हालचाल नहीं थी, सागर में भी कोई मूवमेंट नहीं था, कोई मोशन नहीं था। द शिप वॉज एज स्टिल एज सी कुड बी, तो वो जो शिप था, वो जो जहाज था, एकदम शांत था, जिस तरह से वो जितना शांत रह सकता है उसी तरह से एकदम स्टिल, एकदम शांत वो था, कोई भी हालचाल वहाँ पे नहीं थी। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, उसका जो सेल्स था, हमने देखा है कपड़े से बना हुआ जो कैनवास होता है, सेट ऑफ कैनवास यूज फ्रॉम द मास्ट टू कैच द वाइंड एंड मूव अ शिप फॉरवर्ड,
कि जो जिसे वाइंड लगती है, हवा लगती है, फिर उसके आधार पर शिप जो है वो आगे मूव करती है। तो हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, उसका जो सेल्स था उसे हेवन में से, मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे स्काई में से, आकाश में से कोई भी मोशन उसे नहीं मिल रहा था, मतलब वहाँ पे कोई हवा भी नहीं बह रही थी, इतनी शांति वहाँ पे थी। हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशन, तो इस तरह से महासागर में वो जो सीप है उसका कील, जो लोएस्ट टिम्बर है, निचला जो पार्ट है जो पानी के ऊपर होता है, वो भी ओशन में एकदम स्टेडी था। स्टेडी मीन्स नॉट चेंजिंग, नॉट सेकिंग, थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा था, एकदम स्टेडी, एकदम वहाँ पे स्टिल, एकदम शांति से वो शिप जो है ओशन में, महासागर में, समुद्र में खड़ी थी। विदाउट इधर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंच केप रॉक, सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंच केप बेल। तो विदाउट इधर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंच केप रॉक, तो वहाँ पे जो वेव्स है, जो समुद्र में उठने वाली जो लहरें होती है, वो लहरें बह के आती थी और जो इंच केप रॉक है उसके ऊपर धड़क रही थी, लेकिन किस तरह, विदाउट इधर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, तो तब जिस तरह से जब जो समुद्र होता है जो लहरें जोर जोर से उठती है, उस तरह से जोर से नहीं उठ रही थी वो, ठीक है, कोई भी साइन नहीं था साउंड का, कोई भी शॉक का साइन नहीं था, जोर से आके नहीं धड़क रही थी, लेकिन वो बह रही थी और रॉक के ऊपर धीरे से आके वो धड़क रही थी। सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, लिटिल हमने पहले बोला कि ज़्यादा जोर से नहीं, सो लिटिल दे रोज, छोटी छोटी लहरें थी, सो लिटिल दे फेल, आके छोटी छोटी लहरें उस पर्वत से रॉक से टकरा रही थी। दे डिड नॉट मूव द इंस्केप बेल, तो इतनी छोटी थी कि उनसे जो इंस्केप बेल है वहाँ पे लगाई हुई, जो किसने लगाई थी, एबॉट ऑफ अबरब्रोतक ने, एक वार्निंग के लिए वहाँ पे उस रॉक के ऊपर लगाई थी, क्योंकि लगाने के पीछे जो भी रीज़न था वो आगे हैं हम देखेंगे कि वहाँ पे वो लगाई हुई थी इस तरह से, लहरें जो है बहुत छोटी छोटी थी, इंस्केप बेल को भी वो मूव नहीं कर पा रही थी, इस तरह की वो छोटी छोटी लहरें वहाँ पे थी। द एबट ऑफ अबरब्रोतक हैड प्लेस दैट बेल ऑन द इंस्केप रॉक, तो किसने लगाई थी वहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ है द एबट ऑफ अबरब्रोतक, तो यहाँ पे एबट क्यों कहा गया है उस व्यक्ति को, तो एबट का मतलब होता है हेड ऑफ एबे ऑफ मॉन्क्स, जो मॉन्क लोग रहते हैं उनका जो एबे होता है, उस एबे का जो हेड होता है उसको कहते हैं एबट। एबे, एबे का मतलब क्या है, अ बिल्डिंग वेयर मॉन्क्स और नंस लिव और यूज टू लिव, वो बिल्डिंग जहाँ पे मॉन्क्स और नंस रहते हैं उस बिल्डिंग को अबे कहते हैं, उस अबे का जो हेड था उसे कहा गया है यहाँ पे अबोट। द अबोट ऑफ अबरब्रोतक हैड प्लेस दैट बेल ऑन द इंच्केप रॉक ऑन अ बियॉ इन द स्टॉर्म, तो बियॉ मीन्स फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एंकर इन द सी टू मार्क डेंजरस प्लेसेस, तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो फ्लोटिंग करते रहता है, हिलते रहता है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है जिसको लगाया हुआ होता है समुद्र में, किसके लिए, टू मार्क डेंजरस प्लेसेस, डेंजरस प्लेसेस मार्क करने के लिए, अगर कोई डेंजरस प्लेस है तो वो दर्शाने के लिए उसे लगाते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हो वहाँ पे एक बेल लगाई हुई है, वो फ्लोटिंग है, वो हिल सकती है ना, तो ये एक इस तरह के ऑब्जेक्ट लगाए जाते थे समुद्र में वगैरह, तो डेंजरस प्लेसेस शो करने के लिए। तो यहाँ पे ये बेल लगाने का जो अबट ऑफ अबरब्रोतक का जो रीज़न था, उसने क्यों लगाई थी हम देखेंगे, पहले लाइंस का मीनिंग देखते हैं। द अबट ऑफ अबरब्रोतक हैड प्लेस दैट बेल ऑन द इंच केप रॉक, तो अबट ऑफ अबरब्रोतक, अबरब्रोतक का जो अबट था, हेड था, उसने ही इंच केप रॉक के ऊपर ये जो बेल है वो बेल वहाँ पे लगाई थी। ऑन द बे इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वम, अगर वहाँ पे कोई स्टॉर्म आता है, जोरों का तूफान आता है, तो वो हिलेगी और वो बजेगी, एक वार्निंग देगी समुद्र में जो भी प्रवास करने वाले लोग हैं, वॉयज करने वाले लोग हैं, उनके लिए वो वार्निंग रहेंगी। एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग, तो जो भी लहरें उठती है उसके ऊपर उसकी वो वार्निंग बजेगी, इसलिए ये जो बेल है अबट ऑफ अबरब्रोतक ने लगाई थी, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे वो बहुत बड़ा जो इंच के रॉक है और पानी के नीचे डूबा हुआ है और यहाँ पे डेंजर है, खतरा है, तो अगर रॉक पानी के नीचे डूब जाता है
और लोगों को पता नहीं चलता, तो लोगों के जो जहाज़ है, शिप्स है, उसे टकरा सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह के जो इंसिडेंट है उससे बचने के लिए एक वार्निंग के तौर पे अबट ऑफ अबर ब्रोतक ने वहाँ पे जो बेल है वो लगा दी थी। When the rock was hit by the surge swell, sudden and great rise in the level of the sea, ठीक है, तो सडन एंड ग्रेट राइज इन द लेवल ऑफ द सी मतलब समुद्र का पानी जब सडनली बढ़ जाए, उसकी लेवल बढ़ जाए, उसमें जो हम कहते हैं बहुत सारा पानी जब आ जाए। द मरीनर्स हर्ड द वार्निंग बेल एंड दे न्यू द पेरिलस रॉक, पेरिलस मीन्स डेंजरस, खतरनाक, एंड ब्लेज द अबट ऑफ अबर ब्रोतक। तो व्हेन द रॉक वॉज हिट बाय द सर्च स्वेल, कि जब ये जो रॉक है, इंच के रॉक है, समुद्र में जब बहुत सारा पानी आ जाएगा, बड़ी बड़े लहरें उठेगी और ये जो रॉक है ये पानी के नीचे क्या हो जाएगा, डूब जाएगा पानी के नीचे। सडनली ग्रेट राइज आने के वजह से, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ने के वजह से, ये जो रॉक है इंच के रॉक पानी के नीचे डूब जाएगा। तब क्या होगा, द मरीनर्स हर्ड द वार्निंग बेल, जो मरीनर्स है उन्हें ये वार्निंग बेल सुनाई देगी जो अबर ब्रोतक ने लगाई थी, तो ये वार्निंग बेल उन्हें सुनाई देगी। एंड दे न्यू द पेरिलस रॉक, और तब उन्हें इस पेरिलस डेंजरस रॉक के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पे ही इस ये जो बेल बज रही है, यहाँ पे ही उसके नीचे ये भयानक प्रकार का, खतरनाक प्रकार का जो रॉक है पानी के नीचे डूबा हुआ है। एंड ब्लेस द अबट ऑफ अबर ब्रोतक, इस तरह से पता लगने के बाद इस डेंजर से वो खुद को बचा पाएंगे और इस तरह से जो अबट ऑफ अबर ब्रोतक है उसको ब्लेस करेंगे, उसको वो क्या करेंगे, एक प्रकार का आशीर्वाद देंगे, दुआएं देंगे कि आज सिर्फ उसने ये जो बल लगाई है उसके वजह से ही हम बच गए, हमारा एक्सीडेंट होने से हम बच गए। इस तरह का ब्लेसिंग, एक प्रकार की दुआएं वो उसको देंगे, किसको, अबट ऑफ अबर ब्रोतक को। द सन इन हीवन वॉज शाइनिंग गे, ऑल थिंग्स वेयर जॉयफुल ऑन दैट डे, द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड राउंड, व्हील्ड राउंड का मतलब जिस तरह से पक्षी गोलाकार उड़ते हुए फिरते हैं, तो उनके उड़ने की जो गोलाकार क्रिया है, इन सर्कुलर मोशन, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन सर्कुलर मोशन, दैट्स मीन्स व्हील्ड राउंड, एंड देर वॉज जॉयस इन देयर साउंड्स। तो तब ये वातावरण कैसा था, द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग, कि स्काय में, आकाश में जो सूरज है एकदम हैप्पीली चमक रहा था। ऑल थिंग्स वेयर जॉयफुल ऑन दैट डे, सारी चीज़ें उस दिन, सारी चीज़ें एकदम जॉयफुल थी, बहुत ही खुश थी, आनंदी थी। द सी बर्ड्स स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड राउंड, जो सी बर्ड्स है, समुद्री पक्षी है, वो भी सर्कुलर मोशन में घूम के, गोलाकार घूम के चिल्ला रहे थे, उनके जो भी आवाज़ है स्क्रीम, वो चिल्ला रहे थे। एंड देर वॉज जॉयस इन देयर साउंड, उनके साउंड में भी, उनके आवाज़ में भी एक खुशी थी, एक आनंद था, हैप्पीनेस थी। इस तरह का वातावरण उस दिन वहाँ पे था। द बे ऑफ द इंस्केप बेल वॉज सीन, बे वही हमने देखा था, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो डेंजर दर्शाने के लिए लगाया जाता है, बे। द बे ऑफ द इंस्केप बेल वॉज सीन, अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन, एक स्पेक, स्पेक मतलब क्या होता है, स्पेक इज अ टाइनी डॉट, एक छोटा सा डॉट। अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन, सर राल्फ द रोवर, ये एक व्यक्ति का नाम है, राल्फ द रोवर कौन है, अ सी पायरेट, एक समुद्री लुटेरा, एक समुद्री लुटेरा जो है उनका नाम है सर राल्फ द रोवर, वॉक्ड हिज डेक एंड ही फिक्स, तो डेक क्या होता है, फ्लोर ऑफ शिप, जहाज का जो ऊपर का मचला होता है, फ्लोर ऑफ द शिप इज कॉल्ड डेक, एंड ही फिक्स हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक, स्पेक वही टाइनी डॉट, ठीक है, छोटा सा डॉट टिप का। तो क्या हुआ उसके बाद, द बीओ ऑफ द इंस्केप बेल वॉज सीन, अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन, जो ग्रीनिश दिखने वाला जो ओशन था, महासागर था, समुद्र था, उसके ऊपर जो इंस्केप रॉक के ऊपर जो ये बेल लगाई हुई थी दूर से, वो कैसे दिख रही थी, इट्स लुक लाइक अ स्पेक, एक छोटे से डॉट की तरह वो दिख रही थी, छोटे से डॉट की तरह, जब अगर दूर से उसे कोई देखे तो वो छोटे से डॉट की तरह दिख रही थी। सर राल्फ द रोवर वॉक हिज डेक, तभी क्या,
एक जो समुद्री लुटेरा है जिसका नाम है सर रॉबर्ट रोवर, वो अपने जहाज के जो ऊपर का मजला है वहाँ पे खड़ा था, उसके ऊपर चल रहा था, घूम रहा था। एंड ही फिक्स हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक, तभी उसकी नज़र कहाँ गिरी, जो छोटा सा स्पेक जो एक डॉट की तरह जो बेल दिखाई दे रही थी, डॉट की तरह एक स्पेक की तरह जो बेल दिखाई दे रही थी उसके ऊपर उसने अपनी नज़रें फिक्स कर दी, उसके तरफ वो देखने लगा। ही फेल्ट द चीयरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग, इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग, हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस। मर्थफुल मीन्स मर्थ क्या होता है, मर्थफुल मीन्स फुल ऑफ मर्थ और हैप्पीनेस, एकदम हैप्पी होना, आनंदी होना, खुश होना, दैट इज कॉल्ड मर्थफुल, फुल ऑफ मर्थ और हैप्पीनेस। बट द रोअर्स मर्थ वॉज विकेडनेस, विकेडनेस का मतलब दुष्टता, ठीक है, विकेडनेस दुष्टता। ही फेल्ड चीयरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग, तो उसने देखा तब उसके अंदर एक, उसको ऐसा लगा कि उसके अंदर एक चीयरिंग पावर आ गई है, बहुत खुशी आ गई है, स्प्रिंग सीजन था तो स्प्रिंग सीजन की वजह से एक चीयरिंग पावर, एक बहुत बड़ी खुशी उसके अंदर आ रहे है, ऐसा उसे लगने लगा। इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग, तो जो भी चीयरिंग पावर उसके अंदर आ रही थी, जो भी खुशी उसके अंदर आ गई थी, इट मेड हिम विसल, वो खुशी से विसल बजाने लगा। इट मेड हिम सिंग, वो खुशी से गाना भी गाने लगा। हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस, उसका जो हार्ट है, मन है, हृदय है, खुशी से एकदम हैप्पीनेस से फुल हो गया, एक्सेस बहुत हैप्पीनेस उसे हो गया, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस खुशी उसे हो गई। लेकिन क्या बात थी, बट द रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस, लेकिन उसका जो मर्थ था, उसकी जो खुशी थी, वो खुशी किस में थी, दुष्टता में थी, गलत काम करने में थी, इस प्रकार से दुष्टता करने में ही उसे खुशी मिलती थी। इस प्रकार का ये जो पायरेट था, एक समुद्री लुटेरा था, सर रॉबर्ट रोवर। तो आगे क्या हुआ, लेट अस सी। हिज आई वॉज ऑन द इंस्केप फ्लोट, फ्लोट वे टू स्टे ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड एयर। तो इंस्केप फ्लोट जो लिक्विड होता है या एयर होता है, जैसे पानी, हवा, हवा में लटकने वाला एक आधा ऑब्जेक्ट होता है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, उसे यहाँ पे यूज किया है उसके लिए फ्लोट ए वर्ड। हिज आइज ऑन द इंस्केप फ्लोट, कोथ ही, कोथ मीन्स सेड, कोथ मीन्स सेड, सेड ही, माय मैन पुट आउट द बोट एंड रो मी टू द इंस्केप रॉक, रो रो टू मूव अ बोट बाय इट्स ओर्स, रो मीन्स टू मूव अ बोट बाय इट्स रोअर्स, जो रोअर्स हिला के जो बोट को आगे मूव करते हैं, आपने भी देखा होगा, तो उसे मराठी में तो ओल्हा कहते हैं, बोट चलाने के लिए जो यूज़ करते हैं, जिस वजह से पानी में हिला के आगे पीछे हिला के बोट को आगे बढ़ाते हैं, तो उसको कहते हैं यहाँ पे ओर्स। तो रो का मतलब वही, हिला के बोट को आगे बढ़ाना। रो मी टू द इंस्केप रॉक एंड आई शैल फ्लैग द एबट ऑफ एबर ब्रोथ, फ्लैग का मतलब है कॉज पेन और ट्रबल, कॉज पेन और ट्रबल, दुख देना, दर्द देना, तकलीफ देना। ओके, हिज आई वॉज ऑन द इंस्केप फ्लोट, तब उसकी नज़र जो थी वो इंस्केप रॉक के ऊपर जो बेल लगाई हुई थी, जो वहाँ पे फ्लोट हो रही थी, जो ऑब्जेक्ट है लटक रहा था, उस बेल के ऊपर उसकी नज़र पड़ी, उसके तरफ वो देखने लगा। देन कोट ही, माय मैन पुट आउट द बोट, देन सेड ही, तब उसने कहा उसके लोगों को, माय मैन पुट आउट द बोट, कि उसके जो भी व्यक्ति थे उसके साथ में, जो भी उसके साथी थे, उनसे कहा पुट आउट द बोट, चलो बोट निकालो, एंड रो मी टू द इंस्केप रॉक, मुझे कहाँ लेके जाओ, इंस्केप रॉक की तरफ मुझे लेके चलो, ऐसा सर रॉबर्ट रोवर ने कहा। एंड आई शैल प्लेग द एबट ऑफ अबर ब्रोतक, और मैं क्या करूँगा, जो एबट ऑफ अबर ब्रोतक है उसको ट्रबल देने का काम करूँगा, उसे दर्द देने का काम करूँगा। उसने तो बड़े मतलब खुशी के साथ वहाँ पे बेल लगा दी, अच्छाई के लिए लगा दी, ताकि लोग को जो है, अगर ये रॉक पानी के नीचे चला जाए तो लोगों को पता चले, वो बेल के साउंड के वजह से, वार्निंग बेल के वजह से उन्हें पता चले कि वहाँ वो जो रॉक है पानी के नीचे डूबा हुआ है। और इस तरह से मैं क्या करूँगा, ये बेल जो है वहाँ से हटाऊँगा, और जो अबटा अबर ब्रोतक है उसको थोड़ा क्या करूँगा, दर्द देने का काम मैं करूँगा, ऐसा रोवर ने कहा। The boat is lowered, the boatman row. The boat is lowered, the boatman row, and to the inscape rock they go. Sir Rob
बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंच के फ्लोट. तो क्या हुआ, द बोट इज लोअर्ड, द बोट मैन रो. तब जो बोट थी रोअर की पानी के अंदर उतर गई. द बोट मैन रो, बोट मैन जो अपना वल्ला है वो हिला के बोट को आगे बढ़ाने लगे, आगे लेके जाने लगे. एंड टू द इंच केप रॉक दे गो, और इसी तरह वो इंच केप रॉक की तरफ चले गए, वहाँ पहुँच गए. सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंच केप फ्लोट. तो जो सर राल्फ था अपने शिप के ऊपर से, बोट के ऊपर से थोड़ा झुक के झुक गए, और झुकने बाद उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पे जो लगाई हुई थी बेल थी, लटकाई हुई जो बेल थी, उन्होंने क्या कर दी, उसको काट डाला. जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इस तरह से जो सर राल्फ द रोवर एक समुद्री लुटेरा जो था, एक पायरेट जो था, उसने उस बेल को क्या किया, काट डाला. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टॉप हियर. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस पोयम वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो और